जो सारा कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा कपड़ा जो लोगों को लगी है भूख, तो मैं ले जा रही हूँ रोटी और छोले खिला देती हूँ। जब बेड पे जाते हैं तो कुछ कॉमेडी वीडियोस जो रील्स वगैरह होता है वो हम देखते हैं। तो हमारे बिहारी स्टाइल में जो भुजिया बनता है, जैसे कल से ही डिमांड था उनका कि नहीं कल रात में ये बनाना है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, इतनी नींद आ रही है। कल मैं सोई थी शाम में, लगता है कि 5:30-6 बजे मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, वो आए हैं और उन्होंने बेल बजाया और मैं पता नहीं कितनी नींद में थी ना, मुझे बेल ऐसे सुनाई भी नहीं दिया। मुझे लगा ना कि कोई बेल बजा रहे हैं। मैं फटाक से दौड़ के मैं जाके अपना जो गेट है वो मैं खोल कर आई हूँ। सच में मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। और अभी 2:00 के बज रहे हैं, 2, मैं डुगो के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, डुगो दूध पिएगा। और मुझे फिर से नींद आ रही है। यहाँ देखो मैंने गैस पर चला दिया है दूध और इसमें हलवा रखा हुआ है जो मेरे हस्बैंड बनाए हैं, सुबह बना के गए थे, बट जिसको मैं हटाऊंगी बिल्कुल दम थोड़ा सा है। अभी दूध जो है वो गर्म हो चुका है, डुगो कूद में दूध दूंगी। और डुगो अपना हाथ बेड के अंदर फंसा लिया था जो अभी मैं निकाल कर आ रही हूँ। आज संडे बट आज मेरे हस्बैंड जो है वो गए हैं ऑफिस। अभी मुझे लग रहा है कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, हो सकता है इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, पर जो भी है मुझे नींद आ रही है। मैं सो गई, डुगो के लिए दूध मैंने गर्म कर लिया, मैं जा रही हूँ डुगो को दूध देने। चलो पेट पे जल्दी, चलो जल्दी पेट पे। फटाफट मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, लाइट्स ऑफ। पानी है यहाँ, मैं जा रही भी दवा खाने। सो गाइस दवा भी मैं खा चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ डुगो को सुलाने। डुगो भी पी रहा है दूध। अभी शाम के बजने वाले हैं 7 और मैं जा रही हूँ। अभी बहुत सारे प्रेस के कपड़े आए हुए हैं, सबको जगह पे रखना है। ये जो सारा कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा कपड़ा जो है वो प्रेस का कपड़ा है। ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ये सारा फोल्ड करना है और फोल्ड करके मुझे जगह पे रखना है। बहुत सारा काम है, इधर भी खाना भी बनाना है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि जितने भी प्रेस के कपड़े हैं सबसे पहले ये सारे कपड़े मैं हटा दूँ, हटा के इसको जगह पे रख दूँ, उसके बाद से कपड़े फोल्ड कर लूँ। और आज संडे है तो हस्बैंड गया है ऑफिस, तो उनको आने में शायद मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, तो उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करके तब मैं जाऊँगी खाना बनाने। सारे कपड़े जो प्रेस के थे वो मैंने लगा दिया है हैंगर में, सारा यहाँ पे हैंगर में लगा के रखी हूँ। सो अभी हम जस्ट आ रहे हैं बाहर से। आज मैं खरीद के लेकर आए हूँ ये केसर बादाम मिल्क शेक है। और डुगू जो है वो लेकर आया है अपने लिए किंडर जॉय। काफ़ी टाइम के बाद मैं इसको किंडर जॉय दे रही हूँ। हस्बैंड का कॉल आया था कि वो आएंगे थोड़ी देर के, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। आई थिंक आधा घंटा ले लो, आधा घंटा 40 मिनट वो घर पहुँच जाएंगे। मैं जाती हूँ खाना बनाने और खाना बना के फिर मेरा मन कर रहा है मैं कहीं जाऊँ बाहर घूमने, क्योंकि अजीब सा मन हो रहा है अभी घर में बैठे बैठे। कैसे सोए हो तुम? पहले गुड मॉर्निंग बोलो। ऐसे ऐसे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग डुगो। पापा को बोलो गुड मॉर्निंग डुगो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, डुगो चला गया स्कूल और मैं बना रही हूँ अभी खाना। तो आज मैं काबुली चना है उसका मैं सब्जी बना रही हूँ और साथ में देखती हूँ पूरी बना लूँ या फिर पराठा बना दूँ या रोटी बना दूँ। वो गए हैं डुगो को छोड़ने, वो आ जाएंगे फिर मैं उनसे पूछूँगी। तो फटाफट बनाते हैं खाना क्योंकि उनको भी हो जाएगा लेट। यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है प्रेशर कुकर, इसमें बन रहा है। और यहाँ पर छोले मैंने भिंगो के रखे हुए थे, मैं जा रही फटाफट बना लें। अभी आने वाले हैं आंटी, झाड़ू पोछा करके जाएंगी। साथ में मेरा बेड देख सकते हो कि बेड का क्या हाल है, क्योंकि सुबह में डेली का डेली यही है। वैसे जो मेरा बेड होता है इसका हाल कुछ ऐसे ही रहता है, आप देख सकते हो सब कुछ अभी यहीं पे है। सॉरी, अभी मैं सब कुछ ठीक करूँगी, उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो चलिए ब्लॉग में बन रहिएगा। एवरीवन, सो हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं, डुगो स्कूल चला गया, मैं भी जा रही हूँ डुगो को लाने स्कूल से। मैं यहाँ खा रही हूँ सैंडविच, नाश्ते में मैंने सैंडविच ही बनाया हुआ है। और हस्बैंड जो है वो लेकर चले गए, वो उनका मन नहीं था अभी खाने का, तो मैंने सैंडविच बना के दे दिया। और बाकी छोले और पराठे मैंने बनाए थे तो वो मैंने दे दिया उनको खाने के लिए। बाकी अगर मैं नाश्ता करके फिर मैं जाऊँगी फटाफट डुगो को लेने, क्योंकि लेट हो रहा है काम। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है डुगो को लाने स्कूल से लाने का, तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट डुगो के स्कूल में और डुगो को लाती हूँ स्कूल से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं निकाल रही थी डुगो के लिए खाना। ये है रोटी और छोले,
तो लाइट्स को सबसे पहले करते हैं ऑफ। और अभी डुगू को लगी है भूख, तो मैं ले जा रही हूँ रोटी और छोले खिला देती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लेकर आ गई मैं डुगू के होमवर्क कराने, क्योंकि शाम में डुगू लगता है परेशान करने, तो अभी मैं जा रही हूँ डुगू का होमवर्क कराने। निकालो निकालो जल्दी, क्या मिला है निकालो तो देखो क्या मिला है। और निकालो, दोनों कॉपी निकालो। यहाँ का जो बाल है ना, जिसको बेबी हेयर बोलते हैं, ये पापा फेस पे आ जा रहा था इसलिए मैंने लगा दिया इसको आज क्लिप, तो एकदम बिल्कुल लड़की लग रहा है आज। सो गाइस ये है मेरा चाय। चलो 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 चेंज करो, तुम्हारा कपड़ा चेंज कर रही। देखो अपना पूरा कपड़ा पे पानी जो है वो मतलब क्या पानी पी रहा था और पूरा कपड़ा गीला हो गया। अभी मैं जा रही हूँ उसका कपड़ा चेंज करने। सो गाइस डुगू का कपड़ा भी हो गया चेंज, मैं जा रही अभी चाय पीने। चाय मैं पी चुकी हूँ और अभी मैं जाऊँगी किचन में रोटी बनाने। भुजिया आज मैं बनाई हूँ, भुजिया इसलिए बनाई क्योंकि कल मैं और मेरे हस्बैंड जब भी रात में मतलब जब बेड पे जाते हैं तो इंस्टाग्राम खोल के और कुछ कॉमेडी वीडियोस जो रील्स वगैरह होता है वो हम देखते हैं। तो कल देखते देखते ना एक वीडियो आया, क्योंकि मेरे फ़ोन में आपको सिर्फ ब्यूटी टिप्स या फिर गाने ले लो या फिर ऐसे कुछ मतलब जो लड़कियों का जो शौक़ होता है उससे रिलेटेड कुछ आएगा। हस्बैंड जो है उनका अगर इंस्टाग्राम मैं खोलती हूँ सिर्फ खाने का ऐसे आता है। तो कल हम रात में मैं उनका फ़ोन देख रही थी रात में 11:30-12 बजे के आसपास, तो उसमें एक के जो हमारे बिहारी स्टाइल में जो भुजिया बनता है आलू का भुजिया जो बनाते हैं तो वो हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। तो कल से ही डिमांड था उनका कि नहीं कल रात में ये बनाना, क्योंकि दिन में क्या होता है कि दिन में फिर अब मेरे हस्बैंड के साथ ये है कि वो भुजिया उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनके उसके साथ कुछ ऐसा होता है जैसे दाल बना लो या फिर सब्जी को जैसे ग्रेवी वाला चीज़ जो है वो अच्छा लगता है। बट कल उन्होंने पहली बार बोला कि नहीं ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो कल रात में ये बनाना, तो आज मैं वही बनाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल बना लूँ क्योंकि रोटी दाल और भुजिया अच्छा लगता है। वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अभी मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा था, बस रोटी बाकी है और जो भी दाल वगैरह है मैं देखती हूँ क्या करना है, दाल बनाऊँ या फिर सेवई या खीर कुछ भी सोच रही हूँ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ भुजिया से वो नहीं खाने वाले हैं। उनको भुजिया खाना पसंद है बट उनके लिए ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहते हैं। उनको चाहिए थोड़ा सा ग्रेवी वाला चीज़। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, फिर वो आएंगे उसके बाद मैं पूछ लूँगी, अगर वो सेवई खाएंगे तो फिर मैं सेवई बना दूँगी। और डुगू बैठ के खा रहा है आज काफ़ी, तो मैं बिस्किट निकाल रही थी अपने लिए, वहाँ पे कुरकुरे का पैकेट था, तो ये देखो आप कैसे बैठ कर आराम से अकेले खा रहा है और अपना चीज़ किसी से शेयर नहीं करता डुगू। तो चलिए फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मैं जा रही हूँ अभी, पतिदेव का फ़ोन आया था कि खीर बना लेना, तो मैं जा रही हूँ खीर बनाने और रोटी बनाने। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल पर नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।